हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम आपसे जुड़े हैं। तो देखिए, आज बात करेंगे वही, जैसा कि आपको पता है 2024 में हम आ चुके हैं अभी, और रेलवे वैकेंसी का उम्मीद था सब लोगों को, आएगा आएगा लास्ट में आएगा। लेकिन देखिए, 2024 में जो पेपर में जो छपी है ये खबर, आपने थंबनेल में शायद उसी को देख के आप आए होंगे, और वह सही खबर है, वो पेपर में छपी थी। और उसके बाद मैं बात करूं तो देखिए, 2024 में आप जानते हैं इलेक्शन है दोस्तों। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि 2023 में हमको वैकेंसी देखने को नहीं मिला, लेकिन 2024 में आप अपनी तैयारी जारी रखिए और हताश मत होइए। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हम यूपी पुलिस का देखे हैं, तो उसमें क्या हुआ है आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। उसमें अगर आप ओवर एज भी हैं तो दो दो साल और 3 साल जितना दिया है उनमें उसको आयु में छूट दे दिया, जिसकी वजह से क्या है, कोविड के दौरान जो आयु सीमा में छूट थी वो दे दी गई है। यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब पता होगा। तो उम्मीद है कि रेलवे में भी नहीं है तो उसके लिए कैंपेन चलाया जाएगा, क्योंकि आपको उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका इतना 2019 के बाद तो रेलवे में कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। 18 के बाद ALP की और ये सब आप सब जानते हैं, 19 में ग्रुप डी और NTPC की आई थी, उसके बाद नहीं आई है, बहुत समय हो गया है। और इसमें डिपार्टमेंटल भर्ती है वो भी जारी है अभी, और NTPC क्लियर हो चुका है। और उसके बाद में देखिए, बात की जाए तो ALP की वैकेंसी 2018 से नहीं आई थी, जो कि उम्मीद था हमें 2023 में आने का। डिपार्टमेंटल ये वैकेंसी आ चुकी है, इसका एक पेपर हो भी चुका है। और देखिए, पेपर की बात करूँ, ALP का जो पेपर था उसमें जो इसका पार्ट ए था बहुत ही ईजी आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, या तो वो डिपार्टमेंटल था इसीलिए पूछे गए थे, लेकिन उसको ले वही एक TCS कंपनी है, उसके अलावा एक और कोई ले रही थी, वो इसको ले रही थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और उसके बाद इसमें लेकिन जो टेक्निकल पार्ट भी जो पोर्शन होता है वो इसमें बहुत ही हार्ड था। तो उसी हिसाब से देखिए, गार्ड का जो है वो भी हुआ है एग्ज़ाम, और JEE का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। RRBJEE का जो एग्ज़ाम है, अब देखिए RRBJEE की वैकेंसी भी नहीं आई है, ये ALP के साथ में ही आई थी जो कि नहीं आई है। और ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी ये भी निकली हुई है, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है। डेट इसका था 23 दिसंबर का, जो कि अब पीछे कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से देखिए दोस्तों, एक एक और जो हॉट टॉपिक था वो थी TT वाला, ये भी अभी डाउट में ही है कि अभी तक आई नहीं है। पहले इसका नोटिस पेपर में भी आ चुका था, सब में आ चुका था, और इसकी बात बहुत हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है, और इसकी भी हमें उम्मीद है। और उसके बाद देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा RPF कॉन्स्टेबल और RPF SI, ये वैकेंसी भी उसी समय की है, 2018-19 में आई थी ये, तब से ये वैकेंसी भी नहीं आई है। और ये वैकेंसी ऐसी है जो डिपार्टमेंटल भी नहीं आती है, ये केवल ओपन लोगों के लिए आती है, तो ये वैकेंसी भी आएगी आपको, क्या है देखिए। उसके बाद में ग्रुप डी की वैकेंसी का उम्मीद कम है, आएगी तो बहुत ही कम संख्या में आएगी, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि 2018 में भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी और 19 में भी आई थी, जो अभी भी चली रही, क्लियर 19 वाली हो चुकी है, 18 वाली तो पहले ही हो गई थी। उसके बाद में देखिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, कम से कम आप इस 2024 में, आप जानते हैं केंद्र सरकार में इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन है, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकती है। यूपी में यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको रीजनिंग और उसका भी बताता रहूँगा, और वो वीडियो भी आ जाएगी आपको कैसे तैयारी करनी है, और बहुत सारी वीडियो इसमें दी हुई है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल में जाके देखिए, आपको हर किसी के बारे में पता चल जाएगा कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, साइंस कैसे पढ़नी है। और वही अब हम रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की और आपको बताने की। बीच में कुछ समय नहीं मिल पाया था, तो उसकी वजह से नहीं बना पा, वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन आज से हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, और बीच बीच में आपके लिए टॉप क्वेश्चन लाते रहेंगे, टॉप क्वेश्चन और करेंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, और आप मोटिवेटेड रहिए उसके लिए भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये वैकेंसी है इनके लिए आप देख सकते हैं। और उसके बाद अदर स्टेट वैकेंसी होती हैं जो स्टेट में आती हैं वो भी आएंगी, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई है, इसके लिए आपको तैयारी करते रहनी है। और ये वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इन पर सबकी नज़र रहेगी, और उम्मीद है बहुत ALP टेक्नीशियन जो होती है ये, उसके बाद में देखिए RPF SI कॉन्स्टेबल ये वैकेंसी, उसके बाद में देखिए NTPC की कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है,
उसके बाद में ये टीटी वाली वैकेंसी, उसके बाद में देखिए ये हो गई, ये सब वैकेंसी। और एक और मोस्ट जेई की वैकेंसी, ये तो जरूर आने वाली वैकेंसी है, जो कि आपको इस साल उम्मीद है, साल में भी नहीं, शुरुआती के कुछ समय में आपको इसको देखने को मिल सकता है। रेल मंत्री का जो बयान है वो भी आ रहा है, और न्यूज़ में भी अभी आने लग गया है, और सरकार को भी इलेक्शन है तो जीतना है तो वैकेंसी जरूर देना होगा, तो इसी हिसाब से शायद उसको रोके हुए होंगे। अब इसका आपको तैयारी करते रहना है, तैयारी कैसे करना है वो सब बताया हुआ है, नहीं जा देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप डालेंगे हमारा नाम मोंटी डालेंगे तो वहाँ आ जाएगा, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।